एक त्रिभुज है ए बी सी और एक दे रखा है आपके डी ई एफ। सवाल में दिया हुआ है ए बी बराबर है डी ई, मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है, बराबर है, और साथ में दे रखा है दोनों है समांतर। बी सी बराबर ई एफ, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी क्या है, बराबर, और ये वाली समांतर है इसके, और ए बी सी को मिलाया गया डी ई एफ से, इसको ऐसे तीनों से मिलाया गया है। हमें सबसे पहले सिद्ध करना है ए बी ई डी एक समांतर त्रिभुज है, ए बी ई डी ये सिद्ध करना है। तो हमें पहला पॉइंट के लिए देखो, पहले पॉइंट ये दे रखा ना इसके बारे में, ये लेंगे हम ए बी बराबर क्या है आपके डी ई, और साथ में दे रखा है ए बी समानांतर क्या है आपके डी ई, वही भुजाएं बराबर वही भुजाएं समांतर। इसका ये क्यों है, ये सवाल के अंदर पहले तो क्या है दिया हुआ, वही भुजाएं बराबर वही भुजाएं समांतर, इसका मतलब हो गया है कि ये वाली लाइन हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए बी ई डी एक क्या होगा आपके समांतर चतुर्भुज होगा, और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर। अगर ये एक समांतर चतुर्भुज है तो इसका मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या होगी, बराबर, और साथ में क्या होगी, समांतर भी होगी। क्या नाम है, ए डी और बी ई, ए डी बराबर क्या हो जाएगी आपके बी ई, और साथ में हो जाएगा ए डी समानांतर हो जाएगा बी ई, क्योंकि ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, और इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर एक, लिख सकते हो समांतर चतुर्भुज के संगत भाग बराबर भी होते हैं और समांतर भी होते हैं। अब दूसरा पॉइंट जो हमें सिद्ध करना है वो है कि बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज, इसके लिए भी दो पॉइंट दे रखा है आपके, ये वाला पॉइंट बी सी बराबर क्या है आपके ई एफ, और साथ में दे रखा है बी सी समानांतर है आपके ई एफ। क्यों है ये, सवाल के अंदर दिया हुआ, ये रहा बी ई एफ सी, इसकी दोनों भुजाएं बराबर भी है और समांतर भी है। जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर समांतर हो तो वो बी सी ई एफ, या क्या कहते हैं, पी ई एफ सी, बी ई एफ और सी, ये वाला लाइन लिख सकते हो यहाँ पर, एक क्या है आपके समांतर चतुर्भुज। अगर ये समान चतुर्भुज है तो इस चतुर्भुज, ये चतुर्भुज है तो इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होगी और साथ में समांतर भी होगी। तो आमने सामने भुजाएं लिख सकते हो आप, इसका नाम लिख सकते हो सी एफ बराबर होगा बी ई, और सी एफ समांतर होगा आपके बी ई। क्यों होगा, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के संगत भाग है, और इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर दो। पहले दोनों पॉइंट क्लियर कर लिए, अब तीसरा पॉइंट क्लियर करना है। देखो समीकरण नंबर एक और दो से, याद लिखेंगे समीकरण नंबर एक व दो से, जब ये दोनों बराबर, देखो बी ई बी ई बराबर, ये दोनों बराबर तो ये दोनों बराबर, ये वाला इसके बराबर और ये वाला भी इसके बराबर, इसका मतलब ये दोनों भी क्या होंगे आपके बराबर, तो ये दोनों बराबर तो ए डी सी एफ भी क्या होगा आपके बराबर। ये भुजा इसके समांतर, देखो बी ई बी ई, ये भुजा इसके समांतर और ये वाली भुजा इसके समांतर, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे आपके समांतर, तीनों देखो एक ही लाइन जा रही है, तीनों समांतर होगी, तो ए डी समानांतर क्या हो जाएगी आपके सी एफ। जैसे हमने इसमें किया था वैसे देखो, इस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं, ये चतुर्भुज है, आमने सामने की भुजाएं बराबर भी है और समांतर भी, इसका मतलब ये वाला ए सी एफ डी, ए सी एफ डी एक क्या कहलाएगा आपके समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। अगर ये समान चतुर्भुज है तो उसकी सम्मुख भुजाएं क्या होंगी, बराबर भी होंगी और साथ में क्या होंगी, समांतर भी होंगी। तो ये दोनों भुजाएं बराबर भी है और समांतर भी है, तो हमें क्या चाहिए, कि बराबर चाहिए, तो लिख सकते हो ए सी बराबर क्या होगा डी एफ, क्योंकि ये क्या है आपके समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं, इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर तीन। वैसे हमने एक दो तीन पॉइंट
यहाँ तक याद कर लिया है, पांचों पॉइंट, पहला दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा ही हो गया और पांचवा भी हो गया। अब छठा पॉइंट है, तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है, ये तीसरा हो गया, फिर ये चौथा हो गया, ये पांचवा भी हो गया और ये छठा पॉइंट ए बी सी और डी ई एफ से। हमें तीन चीज़ें बराबर करनी है। नंबर एक, दो तो यहाँ दे रखे हैं ए बी बराबर डी ई, ए बी बराबर इस त्रिभुज की ए बी और इस त्रिभुज की डी ई क्या है बराबर, ए बी बराबर है डी ई और बी सी बराबर क्या है आपके ई एफ। क्यों है? क्योंकि ये सवाल के अंदर क्या है आपके दिया हुआ। और अगला पॉइंट, ये और ये भी क्या है आपके बराबर, और ये देखो ये रहा ए सी बराबर क्या हो जाएगा आपके डी एफ। अब ये क्यों बराबर है? समीकरण नंबर तीन से या लिख सकते हो आप ए सी एफ डी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, एस 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 द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज डी ई एफ के। इति सिद्धम।